छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की औसत दरों में 6% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरें 1 अगस्त से लागू हो गई हैं। अब इस पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में सियासत तेज हो गई है। विद्युत दरों में वृद्धि को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौर में लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं और लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। वहीं व्यवसाय और व्यापार की हालत चिंताजनक है। ऐसे में समय में 6% विद्युत दरों में वृद्धि प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। सरकार कर रही है, जब कोरोना काल में लोगों की आर्थिक स्थिति तहस नहस हो गई है, लोगों के पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, सबकी नौकरी चली गई है और 200 यूनिट माफ करके लोगों की वाही वाही लूटने का काम ये सरकार कर रही है और 48 पैसे पर यूनिट बिजली का बिल बढ़ाया गया है, लगभग 6% बिजली बढ़ाई गई है। ये पूरी तरह छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में अन्याय अत्याचार है। जब कोविड काल में लोगों की हालत अच्छी नहीं है तो ऐसे समय तो कम करने के बारे में सोचना चाहिए था और एक बार में 48 पैसे बढ़ाया जाना ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में अन्याय और अत्याचार है।